हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू 360 के दोस्तों। फाइनली एसएससी एमटीएस यानी मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ के फाइनली टीयर वन एग्जाम के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप एडमिट कार्ड को बिना एप्लीकेशन नंबर और रजिस्टर्ड आईडी के बिना किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, उसी संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों, आपकी जो एमटीएस की एग्जाम डेट थी उसमें एक बदलाव किया गया है, उस बदलाव को भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ अपना एसएससी एमटीएस का एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडमिट कार्ड, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके जो अलग अलग रीजन है, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटक केरला रीजन, साउथर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, सभी रीजन आ चुके हैं। दोस्तों आपने जो भी रीजन से फॉर्म अप्लाई किया है एमटीएस का, उस रीजन की लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आपको मैं बता देता हूँ एग्जांपल के लिए, यहाँ पर सेंट्रल रीजन के दोस्तों जो बिहार और उत्तर प्रदेश वाले कैंडिडेट हैं एमटीएस का अप्लाई, जिन्होंने फॉर्म किया है बिहार उत्तर प्रदेश को, उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं दोस्तों। जल्दी ही सभी रीजन के यहाँ पर फाइनली एमटीएस एग्जाम के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ आप बिना किसी रजिस्टर्ड आईडी और एप्लीकेशन के किस तरीके से आप अपना एमटीएस का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेंट्रल रीजन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप सेंट्रल रीजन पर क्लिक करेंगे, आपकी जो सेंट्रल रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की, वह ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहा होगा दोस्तों, 18 जुलाई का अपडेट है जिसमें कहा गया है कि स्टेटस डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 टू बी हेल्ड 2 अगस्त टू 22 अगस्त। मतलब आपके दोस्तों जो पहले आपके एमटीएस की परीक्षा तारीख थी दोस्तों, वह थी 2 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक। बट दोस्तों इसमें फाइनली एक बदलाव हुआ है, आपका जो एग्जाम है दोस्तों वह तो 2 तारीख से तो स्टार्ट हो जाएगा, बट आपका एमटीएस का एग्जाम फाइनली 22 अगस्त को यहाँ पर दोस्तों समाप्त हो जाएंगे। मतलब आपका जो इतना बड़ा एग्जाम होना है एमटीएस का दोस्तों, फाइनली 22 अगस्त को यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोसीड नाउ, प्रोसीड नाउ पर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड नाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा समय ले सकता है, क्योंकि नेट या सर्वर की वजह से यहां पर समय ले रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली आपका जो एडमिट कार्ड वाला पेज है वे ओपन हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं स्टेटस डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 टू हेल्ड फॉर्म 2 अगस्त टू 22 अगस्त तक आपका एग्जाम कंडक्ट होना है। अगर आपके पास दोस्तों रजिस्टर्ड आईडी है तो उससे आप अपना एडमिट कार्ड और अपना एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्टर्ड आईडी डाल देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपने जो भी आपकी एग्जाम सिटी है दोस्तों उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, आपने जो भी आगरा हुआ, अलीगढ़ हुआ, इलाहाबाद, वल्ली, गोरखपुर, झांसी, जो भी आपने सिटी सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको वेरीफाई के लिए यहाँ पर 8+7 मतलब आपका जो भी वेरीफाई नंबर होगा उसको आपको यहाँ पर उसका आंसर डाल के आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनली सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको एडमिट कार्ड आपका यहाँ पर जारी हो जाएगा। अगर आपके पास रोल नंबर है तो उसके लिए ये दोस्तों आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर डालना है, उसके बाद अपना आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद आपको दोस्तों अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपका आगरा हुआ, कानपुर हुआ, अलीगढ़ हुआ, इलाहाबाद, बल्ली, जो भी है उस पर आपको सेलेक्ट करके फाइनली वेरीफाई ह्यूमन पर आपको क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों फाइनली इसका आंसर देने के बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों आपके पास ना रजिस्टर्ड आई डी है ना रोल नंबर है, आप अपने नाम से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने नाम से डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर फाइनली आपके नाम के जो आगे के चार कैरेक्टर मतलब चार वर्ड हैं वो डालना है, और अपने फादर्स के नाम के आगे के चार वर्ड आपको डाल देना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है और आपकी जो भी एग्जाम सिटी उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको वेरीफाई ह्यूमन का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर इसका आंसर आपको दे देना है। जैसे 8+7=15 तो इसका आंसर यहाँ पर आपको फिल करने के बाद फाइनली सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड आपके एसएससी एमटीएस के यहाँ पर जारी हो जाएंगे। दोस्तों जल्दी उम्मीद की जा रही है कि 1 या 2 दिन में सभी रीजन के एसएससी एमटीएस के एडमिट
मेरिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो आप दोस्तों फाइनली एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट को कंटिन्यू चेक करते रहिए, और आपके जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम है दोस्तों वह 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एसएससी एमटीएस टीयर 1 एग्जाम को निकाल लेगा उसको यहाँ पर दोस्तों टीयर 2 एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। आपका टीयर 2 एग्जाम दोस्तों डिस्क्रिप्टिव है, मतलब उसमें आपको वर्णनात्मक आपको या तो लेटर या तो ऐसे लिख के बताना है, जिसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। और उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर फाइनली 30 मिनट का टाइम यहाँ पर मिलने वाला है। और आपका जो टीयर 1 एग्जाम है दोस्तों उसमें आपका यहाँ पर 100 मार्क्स का यहाँ पर पेपर आएगा, जिसमें आपकी 0.25 यहाँ पर माइनस मार्किंग है, मतलब आप अगर एक क्वेश्चन गलत लगाएंगे तो यहाँ पर आपके दोस्तों 0.25 मार्क्स यहाँ पर कट जाएंगे। तो एसएससी एमटीएस की पल पल की अपडेट के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़े रहें। आई होप दोस्तों आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।